हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी स्वीकार कीजिए। तो आज मैं आपसे मिलवाने आई हूँ एक बहुत ही सुंदर प्लांट को जिसका नाम है वॉन्डरिंग जियो। पहले तो मैं आप लोगों से यही कहने चाहूंगी कि स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, यही कामना के साथ मैं आपको इस प्लांट से मिलवाती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये प्लांट। इसकी देखिए एक तरफ से ये ग्रीन है, लुक ग्रीन, और दूसरी तरफ से पर्पलिश रेड सा कलर है। देखिए कितना सुंदर प्लांट है और इसकी जो वेरी इजी टू ग्रो एंड वेरी इजी टू मेंटेन। इसमें कुछ ज्यादा आपको इसमें कोई मेहनत नहीं करनी। हाँ, हैंगिंग बास्केट्स में तो ये बहुत सुंदर लगता है। मेरे यहाँ तो कई हैंगिंग बास्केट्स में लगा है। देखिए कई हैंगिंग बास्केट्स में लगा है। आज मैं सबको यहाँ पर ले आई हूँ आप लोगों से इकट्ठा मिलवाने के लिए। देखिए ये भी हमने पीवीसी पाइप से एक प्लांटर बनाया था जिसमें हमने वॉन्डरिंग जू लगाई थी और ऊपर यहाँ पे हमने बिगोनिया लगाया था। मैं उसका लिंक दे दूंगी, इसको मैंने कैसे प्लांटर बनाया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन बाद में मुझे लगा कि बिगोनिया की जगह यहाँ स्पाइडर लगाते हैं, तो देखिए स्पाइडर प्लांट कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए इसके साइड से बेबी प्लांटर्स भी आ गए हैं। देखिए बेबी प्लांटर्स भी आ गए हैं अभी, और भी सॉरी बेबी प्लांट्स भी आ गए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो देखिए अभी जब नीचे फॉल करेंगे तो ये और भी सुंदर लगेंगे। तो चलिए हम वापस अपने वॉन्डरिंग जू पे आ जाते हैं। ये भी है, एक तरफ से ग्रीन है और दूसरी तरफ से पर्पल है। इसको आप कहीं से भी किसी भी तरह की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कटिंग ले आइए और इसको लगा दीजिए, इजीली ग्रो हो जाता है। लेकिन इसमें अब ग्रीन और पर्पल का देखिए, इसमें आप देखेंगे कि ज्यादा पर्पल है, उसमें ग्रीन है। इसमें क्या रहता है, जैसे ही आप इसको धूप में रखते हैं तो ये इसके सारे पत्ते इसी रेडिश और पर्पल कलर के हो जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। अगर आप इनको छाया में रखते हैं तो देखिए इस तरह से ग्रीन हो जाते हैं इनके पत्ते। इसमें पानी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, पानी तो मतलब इतना देख के दीजिए कि जब ये मिट्टी इसकी पूरी सूख जाए तभी इसमें पानी दीजिए, अदरवाइज पानी देने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए मैंने इसकी कटिंग जो है ये देखिए इस प्लांट में ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये लगभग मैंने 10 दिन पहले इसकी एक कटिंग लगाई थी। आप देख पा रहे होंगे कितनी इजीली इसकी कटिंग ने अपनी जड़ बना ली है, रूट्स बन गए हैं। तो इसकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है। देखिए मैं आपको एक कटिंग लेके दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इनकी, आप देख पा रहे होंगे इनकी जड़ तो यहीं पे ही, ये नोट से इनकी जड़ तो बनी रही है। आपको क्या करना है, बस ये नीचे वाला जो पत्ता है ये लीफ है इसको आप गिरा दीजिए और इसकी जड़ को कहीं भी, अगर आप इसमें भी लगाना चाहते हैं तो इसमें भी लगा दीजिए। देखिए तो ये और घना होता जाएगा, कहीं भी आपको जगह मिले वहीं लगा दीजिए। देखिए और इसकी प्रूनिंग बहुत जरूरी हो जाती है। हम जितनी प्रूनिंग करते हैं, जैसे हमने यहाँ से तो इसकी कटिंग की, जैसे ही हम यहाँ से कटिंग करेंगे यहाँ से इसकी दो ब्रांचेस और निकल आएंगी, तो इस तरह से ये बहुत ही बुशी होता चला जाता है। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। देखिए और खास तौर से तो देखिए इसकी लीव्स देखिए कितनी सुंदर हो गई है, क्योंकि यहाँ पे धूप पड़ रही थी तो ये धूप में सारी देखिए इन्होंने अपना ग्रीन कलर चेंज कर लिया। अब मैंने इसको कुछ प्लांट्स को, इस वाले को मैंने छाया में ऊपर नेट के पास लगा रखा था तो इसने इतना अपना कलर चेंज नहीं किया, ये रेड है। और ऐसे प्लांट्स जो कि कलर्स देते हैं समर्स में, जब हमारे पास फूलों की कमी होती है तो ऐसे प्लांट्स तो हमें जरूर चाहिए होते हैं अपनी बगिया में। और क्योंकि इन्हीं के सहारे तो हमारी बगिया में फॉलेज, जो इतनी अच्छी कलरफुल फॉलेज के सहारे हमारी बगिया में कलर्स आते हैं और हमारी यही प्लांट्स हैं जो हमारे गार्डन में कलर्स बिखेरते रहते हैं। देखिए मैंने साथ में ये मोगरा भी आ रखा है, देखिए इसकी खुशबू तो बहुत सारा मोगरा। तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको ऊपर से यहाँ से बांध दिया है देखिए, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर ग्रो करेगा देखिए इस तरह से। तो बस इसमें आप बहुत इजीली आप इसको कहीं से भी, आपको थोड़ी सी भी कटिंग मिल जाए कहीं भी जाते जाते भी तोड़ लेंगे
तो भी आप अपने घर में आके लगा लेंगे और बहुत मस्त तरीके से आपका ये प्लांट चलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी बहुत ज्यादा मत दीजिएगा, पानी खड़ा ना रहे। जब देख लीजिएगा इस तरह से करके कि अगर इसको इसमें चिपक नहीं रही मिट्टी और इसको पानी की जब जरूरत है तभी इसको पानी दीजिएगा, नहीं तो ये प्लांट पत्तियों को गिरा देगा। तो देखिए इस तरह से इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा स्पाइडर भी देखिए और भी लगा रखा है यहाँ भी, तो ये आपके बहुत अच्छे से आपके पास चलेगा कहीं से भी ये कटिंग लेके। अच्छा हाँ, एक और बात बताना भूल गई मैं, इसकी जो हैंगिंग प्लांट्स में जब हम लगाते हैं तो मैं तो इसको कोकोपिट में, वर्मी कंपोस्ट में और परलाइट और वर्मोकोलाइट डाल के लगाती हूँ। अगर आप इसको मिट्टी में लगाएंगे तो भी ये उतना ही बढ़िया चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, हैंगिंग प्लांट्स में जब भी लगाएं तो आप कोशिश करिएगा कि मिट्टी ना डालें, क्योंकि अगर हैंगिंग प्लांट्स में मिट्टी डालेंगे तो ये बहुत हैवी हो जाएंगे और गिरने का डर रहता है, या ये चेन्स टूट जाएंगी इनकी, देखिए ये वाली चेन्स। तो इसलिए हमेशा इनको कोकोपिट में, और मैंने कोकोपिट भी बताने का आपको घर में ही बताने का मेथड भी बताया था कि किस तरह से हम अपने घर पे ही कोकोपिट बना सकते हैं। अगर कहेंगे मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी ताकि आप उसको भी देख के आप उसको बना सकें। तो देखिए, तो इसी के साथ ही अगर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।